हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। कह रहा मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 से देखिए, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स का पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का होल पावर 15 एक्स का पावर माइनस 17 ऑकर्स इन आर्थ टर्म, देन आर का वैल्यू क्या होगा। कह रहा है कि जो आर्थ टर्म हो रहा है उस आर्थ टर्म में एक्स का पावर माइनस 17 हमें मिल रहा है, तो वो आर्थ टर्म होगा कौन सा टर्म वो हम लोग पता करें। चलिए तो हम लोग वो आर्थ टर्म निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 15 सी आर माइनस 1 एक्स का पावर 4 द पावर 15 माइनस आर माइनस 1 और माइनस 1 का पावर आर माइनस 1 और 1 बाई एक्स क्यूब का पावर आर माइनस 1। 15 सी आर माइनस 1 एक्स का पावर 4 का पावर यहाँ पे हो जाएगा 15 और प्लस 1 16 माइनस आर माइनस 1 का पावर आर माइनस 1 1 बाई एक्स का पावर 3 आर माइनस 3। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, 15 सी आर माइनस 1 माइनस 1 का पावर आर माइनस 1 एक्स का पावर क्या हो जाएगा 64 माइनस का 4 आर और यहाँ 1 बाई एक्स का पावर 3 आर माइनस का 3। 15 सी आर माइनस 1 माइनस 1 का पावर आर माइनस 1 एक्स का पावर क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 67 और माइनस का 7 आर। ठीक है, अब लिखते हैं बाई इक्वेटिंग एक्स का पावर माइनस 17 एंड एक्स का पावर 67 माइनस 7 आर, तो माइनस का 17 इक्वल टू में 67 माइनस 7 आर, 7 आर को उधर प्लस में, इधर 67 और प्लस का 17, 7 आर इक्वल टू में 14 और ये आपका 78 आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा डिवाइड में तो आर का वैल्यू 84 बाई में 7, 12 टाइम्स में कट जाएगा, आर का वैल्यू 12 आ जाएगा। आंसर में देखिए ऑप्शन में है सी नंबर, इसका आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ